नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। लौट चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार और खूबसूरत दुनिया में, जहां पर काफी खूबसूरत मुकाबला मैदान के अंदर नजर आएगा। इसाम्बे और शेलगर इन दो टीमों के बीच में टॉस जीता है टीम शेलगर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। जरूर कैप्टन बाइट लिया गया था, तो शेलगर टीम के कप्तान का कहना था कि हम ज्यादा करके बल्लेबाजी करते हैं, नई टीम है सामने, इसी के कारण देखिए 20 मिनट के अंदर चार ओवर खत्म होना चाहिए, अन्यथा आपको एक खिलाड़ी जरूर अंदर लेना होगा सर्कल के अंदर। अंपायर्स इस रूल के ऊपर आपको गौर करना है। तो जरूर यहाँ पर इसाम्बे टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। किरण जी सुखदरे इनकी ये टीम इन्होंने पैक की है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई। तारा टीम के बहुत सारे फैंस इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। शैलेश जी मात्रे खास तौर पर इस मैच का अच्छी तरीके से आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए आदित्य भगत टीम के कप्तान, और कप्तान गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। स्ट्राइक एंड के ऊपर तेजस, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, जरूर बड़ा हिट लगाने की कोशिश। मैंडेटरी पावर प्ले में हर बल्लेबाज की कोशिश रहती है कि हर गेंद के ऊपर मैं प्रहार करूं, लेकिन यहां से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। पहली डॉट गेंद की समाप्ति आदित्य भगत द्वारा यहां से देखने को मिली। बल्लेबाज तेजस देवगरे स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आते हुए फिर एक बार गेंदबाज आदित्य भगत तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, जरूर हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, सिंगल यहां से पूरी होती भी नजर आ रही है। सिंगल के साथ तेजस इस खिलाड़ी ने अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। एक रन बगैर किसी नुकसान टीम इसाम्बे। स्वराज इंटरप्राइजेस इसाम्बे यहां से पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल भोपी यहां से आते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य भगत अच्छी गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले की पहली ओवर फेंक रहे। दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर है, इसके बावजूद भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस मैदान के ऊपर। फिर एक बार आदित्य तैयार, यहां से देखिए अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद रफ्तार ज्यादा थी, विकेट कीपर ने अपना काम अच्छी तरीके से निभाया। एक और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। ये मैदान 80 रन जरूर 5 ओवर में हर मैच में देखने को मिलते हैं, और आज देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी यहां से होती हुई नजर आ रही है आदित्य भगत द्वारा। पहले 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है, शानदार गेंदबाजी। फिर एक बार आदित्य की यह गेंद, काफी रफ्तार भरी गेंद थी, सटीक टप्पे के ऊपर गेंद यहां से फेंक रहे गेंदबाज आदित्य। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक और डॉट गेंद की समाप्ति और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए खाली सिंगल, 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। यहां से अब लाइन में आना होगा इन दोनों खिलाड़ियों को, गेंद की पहले लाइन में आओ उसके बाद यहां से प्रहार करने होंगे। फिर एक बार आदित्य की यह गेंद, ज्यादा रफ्तार थी हवा में गेंद, विकेट कीपर जरूर वहां पर कोशिश कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। यहां से सिंगल रन मिलेगी दोनों बल्लेबाजों को, सिंगल की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होता हुआ 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर, जरूर ये ओवर मारधाड़ के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इस ओवर में अभी तक एक भी बड़ा हिट हमें देखने को मिला नहीं है। क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई आदित्य भगत द्वारा, टीम के कप्तान है और कप्तान शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार देखिए स्टेप आउट होने की कोशिश की थी, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होगी, ओवर नंबर पहला होता हुआ समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल 2 रन बगैर किसी नुकसान टीम स्वराज इंटरप्राइजेस इसाम्बे। तो नक्कीच याच दरम्यान आमचे सन्माननीय निलेश जी म्हात्रे बुवा विचुंबे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय, त्यांना आमची विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती येऊन असं रस्तं व्हायचंय। त्याचप्रमाणे महेशमधी शेलगर संघ म्हटला की सचिन शेठ घरत यांचा संघ, सामना जर पाहत असाल तर सचिन शेठ आपलं मी मनापासून हार्दिकचं स्वागत करतोय। किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफीमध्ये त्यांचं सुद्धा योगदान फार मोठं आहे। जे ग्रामीणचे 6 पोल आहेत ABC आणि DEF असे दोन दोन पोलमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी त्यांनी स्पोर्ट्स सायकल आम्हाला पुरस्कृत केले, तर सचिन शेठ घरत यांचं नेहमीच योगदान मात्र या स्पर्धेवर नेहमीच प्रेम मात्र राहिलंय। तर निलेश भाऊ आपलं हार्दिक स्वागत आहे किंजल ट्रॉफीमध्ये,
सुहास शेठ गोंधळी साहेबांच्या वतीने सुद्धा ओपन साठी स्पोर्ट्स सायकल देण्यात आले, त्यांचा सुद्धा आपण मनापासून आभार मानूया. जितू शेठ फडके, रवी शेठ शेळके आणि रवी शेठ पाटील या तिघांनी मिळून ए बी सी डी ई एफ या सगळ्या सहा पोलमधून जो खेळाडू सर्वोत्कृष्ट असेल त्याच्यासाठी एक बाईक दिली जाणार आहे. त्यामुळे मॅन ऑफ द सिरीजसाठी दोन दोन पारितोषिक आहेत. स्पोर्ट्स सायकल सुद्धा आहे आणि बाईक सुद्धा आहे. त्यांचा सगळ्यांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया आणि वळूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडे. तो पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त. दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए दूसरा ओवर फेंकने के लिए साहिल भगत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. क्या शानदार गेंदबाजी, ट्रेंट बोल्ट की याद दिलाते हुए इनकी गेंदबाजी नजर आती हुई. पहली गेंद जड़ में फेंकी थी, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का. ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है. रफ्तार, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी होती हुई शिलगर के गेंदबाज साहिल भगत द्वारा. पहला ओवर फेंका था आदित्य भगत ने, उन्होंने बिल्कुल रफ्तार के साथ टप्पे के ऊपर भी काफी नियंत्रण रखा था. इस ओवर में साहिल भगत जैसे गेंदबाजी करने पहली गेंद ब्लॉक ऑल. क्रिकेट में जरूर इस गेंद को ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं और वही गेंद का इस्तेमाल यहां से होते हुए नजर आया साहिल भगत द्वारा. फिर एक बार साहिल तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए, जरूर वहां पर आउटफील्ड खराब है. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए आता हुआ ये शानदार चौका. चार रनों की मदद से अब टीम की बढ़ती हुई रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए छह रन बगैर किसी नुकसान. सांबे टीम ने अब अपने तेवर दिखाने चालू किए. अब यहां से जरूर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को. अब गियर चेंज करना होगा क्योंकि दूसरे ओवर की अभी तक हम बात करेंगे. दो गेंदों का खेल यहां से समाप्त हुआ है. स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगे छे. ये मैदान जरूर 70-80 रनों के लिए ज्यादा जाना जाता है. टीम के कप्तान ने भी कहा था कि कम से कम 70 रन बनाने की हम कोशिश करेंगे, ईसाम भी टीम के कप्तान ने कहा था. फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंद, बैट का किनारा लगा, गेंद जरूर दो खिलाड़ियों के बीच में से जाएगी, एक और मिलेगा, शानदार चौका. लगातार ये दूसरा चौका मिलता हुआ टीम ईसाम्बे के लिए. टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन. सचिन जी, गरज साहब, रांजनपाड़ा ये भी इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे. यहां से लगातार दो चौके आते हुए गेंदबाज साहिल भगत इस गेंदबाज के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी जरूर की है लेकिन जरूर बल्लेबाजों को भी भाग्य का साथ काफी मिल रहा है. परफेक्ट इनटू द गैप ये शॉट यहां से देखने को मिल रहे हैं विशाल धोपी द्वारा. हालांकि शॉट उतने परफेक्ट नहीं है लेकिन गैप ढूंढने में काफी सफल होते हुए नजर आ रहे हैं. फिर एक बार साहिल की ये गेंद, इस बार जरूर हल्के हाथों से खेला था. सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलेगी, दूसरी की चेष्टा जरूर कर रहे हैं लेकिन ये देखिए जरूर डायरेक्ट हिट होता हुआ लेकिन अंपायर द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं है. सिंगल मिलेगी इस गेंद के ऊपर. इस सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर किसी नुकसान. अच्छी गेंदबाजी साहिल भगत द्वारा. विशाल भोपी जरूर अभी तक हम बात करेंगे, दो चौवे अपने इनिंग में ताक चुके हैं. टीम की टोटल रन संख्या है 11. दूसरे ओवर की अभी भी हम बात करेंगे, दो गेंदे शेष है साहिल भगत की. फिर एक बार साहिल भगत तैयार, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे साहिल भगत. साहिल भगत की गेंद जरूर वेरिएशन किया था इस गेंद के ऊपर. सिंगल मिलती हुई, दूसरा चुराने की कोशिश और खराब फील्डिंग वहां पर. दो रन पूरे किए, तीसरी रन चुराने की कोशिश और देखिए आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों बल्लेबाजों ने. तालमेल अच्छा था और इसी के कारण ये तीन रन पूरे होते हुए ऐसा लगा था वहां पर एक ही मिलेगी लेकिन तीन रन पूरे होते हुए तीन रनों की मदद से अब टीम की टोटल रन संख्या बढ़ती हुई 14 रन बगैर किसी नुकसान. विशाल फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए. अभी तक इस ओवर की बात करेंगे, इस ओवर में रन खर्च किए 12 साहिल भगत ने. फिर एक बार साहिल तैयार, इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट कार्पेट के माध्यम से लॉन्ग ऑफ की तरफ वहां पर खिलाड़ी थे. मिलेगी केवल सिंगल और सिंगल की मदद से ओवर नंबर दूसरा यहां से होता हुआ समाप्त. दो ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन बगैर किसी नुकसान टीम ईसाम्बे.
दो ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हैं। इस सामने टीम के लिए एक बात अच्छी रहेगी कि अभी तक एक भी विकेट इस टीम ने खोया नहीं है। 5 ओवर का मुकाबला है, यहां से जरूर रणनीति बनानी होगी दोनों बल्लेबाजों को और जरूर यहां से गियर चेंज करने होंगे। पहले ओवर फेंका था गेंदबाज आदित्य भगत ने अपने ओवर में रन खर्च किए थे। दो दूसरा ओवर फेंका साहिल भगत ने, फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए आदित्य भगत खुद की दूसरी और टीम की ओर से ये तीसरी ओवर फेंकेंगे। आदित्य भगत स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज यहां से नजर आते हुए विशाल भूपी स्ट्राइक एंड के ऊपर यहां से आते हुए आदित्य की यहां से ये गेंद जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट यहां से गेंदबाजी करते हुए आदित्य भगत, रफ्तार भरी गेंदबाजी जरूर हमने देखी थी इस गेंदबाज द्वारा। इस बार जरूर खराब टप्पे के ऊपर ये गेंद गिरती भी अंपायर का इशारा था, वाइड वन बाउंस की भी वार्निंग दी गई है इस गेंदबाज को आदित्य भगत को। एक्स्ट्रा के तौर पर ये पहली रन मिलती भी टीम इसाम्बे को टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती भी 16 बगैर किसी नुकसान। फिर एक बार आदित्य भगत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद दखल में गेंद फेंकी थी तो जरूर दो खिलाड़ियों के बीच में तालमेल की थोड़ी कमी नजर आई थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन सिंगल रन यहां से चुराने में दोनों बल्लेबाज सफल बने। सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी 17 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक यहां से देखने को मिल रही है शेलकर द्वारा। जिस तरीके से कहा था कि 50-55 तक हम रोकने में जरूर इन टीम को सफल होंगे, लेकिन अभी तक अगर बात करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी शेलकर टीम द्वारा नजर आती है। जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तौर पर ये टीम के कप्तान और बाकी के खिलाड़ी नजर आते हुए खेलते हुए। फिर एक बार आदित्य तैयार, इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाना चाहिए था लेकिन वैसा हुआ नहीं। सिंगल यहां से पूरा किया और सिंगल की मदद से टीम की बढ़ती हुई रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगते हुए 18 रन कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है गेंदबाज आदित्य भगत का। अभी तक इस ओवर की बात करेंगे दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 3 रन इस ओवर में खर्च किया गेंदबाज आदित्य भगत ने। यहां से अब इन दोनों बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने होंगे, अभी तक एक भी बड़ा हिट देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले मैच में चांबो की बल्लेबाजी देखी थी, 3 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, 19 गेंदों में 68 की पारी। और यहां से देखिए इस मैच में इसाम्बे टीम की लड़खड़ाती हुई पारी, बल्लेबाज की पारी कांत होगा बल्लेबाज विशाल भोपी बैक टू पैवेलियन। विशाल भोपी की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज टीम के कप्तान साहिल यहां से मैदान के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल अब किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये हम जरूर देखेंगे। कप्तान के ऊपर हालांकि साहिल मापती ये बल्लेबाज जरूर स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आएंगे, टीम के कप्तान है और जरूर अब कप्तानी पारी की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में जरूर हमने बल्लेबाजी देखी थी चांबो की, उसी तरीके की अब पारी की जरूरत टीम इसाम्बे के बल्लेबाजों से। कप्तान है और कप्तानी पारी की जरूरत, गेंदबाज कप्तान के सामने कप्तान। यहां से देखिए फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज साहिल ने, सिंगल पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश और यहां से जरूर रनआउट के तौर पर बल्लेबाज आउट होंगे। तेजस बैक टू पेवेलियन। तरीके से होनी चाहिए ये, जरूर इसका जीता जागता उदाहरण दिलाते हुए ये गेंदबाज। इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। तेजस यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, शानदार गेंदबाजी होती भी आदित्य भगत द्वारा,
जिस तरीके से रणनीति इन कप्तान ने आकी थी उसी तरीके से अभी तक गेंदबाजी होती भी नजर आ रही है। पहले ओवर में दो खर्च किए थे, दूसरा ओवर फेंका था साहिल भगत ने, उस ओवर में रन खर्च किए थे 13। इस ओवर की बात करेंगे, अभी तक 4 रन खर्च किए गेंदबाज आदित्य भगत ने। इस बार देखिए फिर एक बार वही लेंथ और वही रफ्तार नजर आती भी। ओवर की होगी समाप्ति, ओवर नंबर 3 समाप्त, पानी लेकर जाना है मैदान के अंदर और जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला। चिखले बनाम साई बाबा नगर खोपली, दोनों टीम के कप्तान से हम विनती करना चाहेंगे टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है। नेक्स्ट मैच होगी चिखले और साई बाबा नगर खोपली, दोनों टीम के कप्तान से हम विनती करेंगे कि टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन संख्या रखती है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम ईसांबे। शेलगर से हमसे गोल्डन मैन मंदार जी भगत यांना विनंती आहे, कृपया अपन व्यासपीठावरती यायचे। शेलगर से आमचे गोल्डन मैन एंड गोल्डन मैन विथ द गोल्डन हार्ट मंदार जी भगत या अपन व्यासपीठावरती आपला हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने। इस बार देखिए बल्ले का जरूर अच्छा संपर्क, टीम के कप्तान द्वारा छक्का मिलेगा और इस छक्के के मदद से अब टीम की टोटल में इजाफा होगा, कुल टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कप्तान ने अब अपने रंग दिखाने चालू किए, अब इस मैच में मजा आएगा क्योंकि गियर बदलता हुआ नजर आ रहा है विशाल भगत। ये गेंदबाज गेंदबाजी मार्क पर थे, पहली डॉट गेंद और उसके बाद आता हुआ ये काफी लंबा छक्का टीम के कप्तान द्वारा साहिल बापती द्वारा। गेंदबाज विशाल फिर एक बार यहां से तैयार होंगे, अब बड़े हिट आने यहां से शुरू हो चुके हैं ईसांबे टीम द्वारा। टीम के कप्तान साहिल पापती अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे, फिर एक बार विशाल तैयार अपने ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद, प्रहार किया इस गेंद के ऊपर बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का आता हुआ कप्तान द्वारा, कैप्टन लीड फ्रॉम पॉइंट और जरूर यह छक्का आता हुआ। छक्के की मदद से टीम की टोटल रन संख्या में इजाफा होगा, कुल टोटल 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे ओवर में अब प्रहार करने शुरू किए टीम ईसांबे के बल्लेबाजों ने, शानदार बल्लेबाजी होती हुई मैदान के अंदर। साहिल बापती टीम के कप्तान है और जरूर कप्तानी पारी अभी तक नजर आती भी इस मैदान के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज विशाल तैयार, जरूर स्टेप आउट हुए थे इस बार लेकिन दिशा से भटकते हुए गेंदबाज विशाल, व्हाइट का इशारा था वह व्हाइट के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होगा टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन लगते हुए, शानदार बल्लेबाजी। फिर एक बार गेंदबाज तैयार विशाल साहिल के लिए,
इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, जरूर हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, दूसरी चुराने की कोशिश और विकेट का पतंग होगा। बल्लेबाज तेजस बैक टू पैवेलियन। हेलो, तो तेजस की पारी का अंत होता हुआ नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। थर्ड अंपायर को चेक करना है कि रन आउट कौन है। तो जरूर थर्ड अंपायर यहां से चेक करेंगे कौन है रन आउट, और जरूर जहां से पता चल जाएगा अंपायर द्वारा थर्ड अंपायर की भूमिका में। जीवन जी कावन सर है शेलकर और तिसांबे के बीच में, ये मैच जरूर काफी रफ एंड टफ मैच नजर आते भी। पहले 3 ओवर की बात करेंगे, खाली 19-23 ओवर में जरूर प्रहार देखने को मिले थे बल्लेबाज साहिल मापती द्वारा। जरूर साई बाबा नगर खोपली के कप्तान मास्टरमाइंड तीकू यहां से आते हुए उनका हम स्वागत करेंगे। चिकले टीम के कप्तान से भी हम विनती करना चाहेंगे, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। अंपायर्स वहां से डिसीजन देंगे। अंपायर्स का डिसीजन आता हुआ बल्लेबाज रनआउट यहां से है तेजस। इस गेंद के ऊपर मिलती भी है सिंगल, सिंगल की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होता हुआ टीम की कुल टोटल मैदान के ऊपर नजर आते भी 33-33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एट के ऊपर साहिल मापदी फिर एक बार नजर आएंगे, गेंदबाज विशाल तैयार। इस बार देखिए क्या शानदार शॉट, घुटना टेक और तमाशा देख काफी लंबा छक्का आता हुआ साहिल मापती द्वारा, एक और शानदार छक्का। इस ओवर का ये तीसरा छक्का नजर आता हुआ साहिल मापती के बल्ले बल्ले से टीम की टोटल रन संख्या 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जरूर नैया बीच भंवर में फंस चुकी थी टीम तिसांबे की और उसके बाद कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है कप्तान साहिल मापती द्वारा। इस ओवर में 3 छक्के दागे, कुल टोटल 39 रन। अभी भी हम बात करेंगे इस ओवर की कुछ गेंद शेष, मेरे साथी स्कोरर कांचन जी पालकर मुझे जानकारी देते हुए इस ओवर में अभी तक एक गेंद बाकी है, जरूर 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है मैदान के अंदर। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार होंगे विशाल भगत। विशाल की ये गेंद साहिल के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई, यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति ओवर नंबर 4 समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन।
अभी भी एक ओवर का खेल बाकी है और स्लॉग ओवर में किस गेंदबाज का चयन करेंगे टीम के कप्तान आदित्य भगत, ये भी देखना यहां से जरूर लाजमी होगा। और जरूर आखिरी ओवर में कौन से गेंदबाज का चयन करेंगे ये हम जरूर देखेंगे। स्लॉग ओवर की गेंदबाजी अक्सर जिम्मेदारी की ओवर होती है। टीम की टोटल इसाम्बे की 39 रन हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर में जरूर यदि बड़े हिट आते हैं तो मैच में तो और मजा आ सकता है। स्पीड अप करना है, स्पीड अप करना है। नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए सनी भगत गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जयेश मालुसरे। सनी की जरूर पांचवी ओवर है स्लॉग ओवर की ओवर और यहां से किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे सनी ये देखने होगा। जिम्मेदारी भरी ओवर यहां से फेंकने का जिम्मा सनी भगत के कंधों के ऊपर है और किस तरीके से ये ओवर फेंकेंगे सनी भगत ये जरूर देखेंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर जयेश मालुसरे पहली बार यहां से स्ट्राइक करेंगे, किस तरीके की बल्लेबाजी जयेश करेंगे ये भी यहां से देखना होगा। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार भरी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, किसी भी तरीके की रन नहीं है इस गेंद के ऊपर। यहां से जरूर शानदार गेंदबाजी होती हुई टीम शिलगर द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार सनी तैयार रहेंगे, जरूर सनी को अच्छी गेंदबाजी यहां से करते हुए नजर आते हुए इस बार जरूर इस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, विकेट मिलेगा बल्लेबाज जयेश मालुसरे। बैक टू पैवेलियन। जयेश की पारी यहां से समाप्त होती भी नजर आ रही है। जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है साहिल मापती द्वारा, जरूर नए आने वाले बल्लेबाज को एक ही काम करना था कि स्ट्राइक एंड के ऊपर किसी भी तरीके से साहिल मापती को जरूर आपको लाना था, लेकिन वैसा किया नहीं। हर बल्लेबाज ने जरूर प्रहार करने की कोशिश की और इसी के कारण ये विकेट मिलता हुआ नजर आया। अभी भी इस ओवर में चार गेंदे शेष है, 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कम से कम 70-80 रन इस मैदान के ऊपर डिफेंडेबल माने जाते हैं। लेकिन अब पारी लड़खड़ाती भी नजर आ रही है टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस इसाम्बे की। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार होंगे सनी भगत अपने ओवर में अगली मरतबा। राइट आर्म राउंड विकेट राम पवार, इस बल्लेबाज के लिए ये गेंद हवा में गेंद है, फिर एक बार गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट मिलेगा। बैक टू बैक ये दूसरी सफलता मिलती हुई सनी भगत को और जरूर बल्लेबाज राम पवार की पारी यहां से समाप्त होती हुई। राम पवार जरूर बगैर खाता खुले मैदान से बाहर हुए, लगातार दो सफलता यहां से मिलती हुई सनी भगत इस गेंदबाज को। नए बल्लेबाज रोहित हिलम अपने बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, तीन गेंदे शेष है, स्लॉग ओवर में गेंदबाज के ऊपर प्रहार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी सनी भगत की। इस बार प्रहार किया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, मिलेगी सिंगल। साहिल मापती ने स्ट्राइक अपने पास रखी और जो जरूर इंतजार कर रहे थे कि कब मिलेगी स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक अब साहिल मापती के पास आती भी नजर आ रही है। इस ओवर की दो गेंदे शेष, स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन संख्या 40 रन अभी तक यहां से नजर आते हुए। फिर एक बार गेंदबाज सनी तैयार, सनी की ये गेंद दखल में जरूर गेंद फेंकी थी, यहां से डॉट गेंद की होगी समाप्ति, इस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज साहिल मापती के पास, ये डॉट गेंद की हुई समाप्ति इसी के साथ। अभी भी एक गेंद यहां से शेष है, क्या शानदार ओवर फेंकते हुए, जो काम पहले चार गेंदबाजों ने किया था उससे भी अच्छा काम करते हुए गेंदबाज सनी भगत नजर आते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद फेंकी थी, फायदा उठाना चाहिए था, यहां से जरूर नसीब का साथ मिला, इस गेंद के ऊपर मिलेंगे ये चार रन। चार की मदद से पहली पारी यहां से समाप्त होती हुई नजर आएगी टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस इसाम्बे की, और जरूर पहले चार ओवर में रन बनाए 44, 44 रन और 45 रनों का पीछा करना होगा टीम शेलकर को। जरूर किस तरीके से ये रन का पीछा होगा ये यहां से हम जरूर देखेंगे।
चिखली टीम के कप्तान से हम विनती करना चाहेंगे, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है क्योंकि टीम साई बाबा नगर खोपोली के कप्तान आपका आप यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और जरूर इस मैच में टॉस का काम करेंगे शिलगर के गोल्डमैन हेमबाज यम भाई। जय हनुमान चिखले आणि साई इलेवन साईबाबा नगर या दोन टीमच्या दरम्यान या ठिकाणी हा टॉस होता आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। एम भाई यांच्या शुभास्ते टॉस होतो आणि काटा आलाय, त्यामुळे टॉस जिंकला चिखले संघाने। काय म्हणाल, एकंदरीत पाच ओव्हरचा सामना आहे आणि पाच ओव्हरच्या सामन्यामध्ये सर्वात प्रथम डिसिजन काय असेल? फलंदाजी करू आम्ही। आपण पाहतोय खरं तर या मैदानावरती पहिल्या इनिंगमध्ये 80-85 धावा होत आहेत साधारणतः। आपला प्रयत्न या टीमच्या अगेन्स्ट किती धावांपर्यंत जाण्याचा असेल, कारण पहिल्यांदाच आपण बॅटिंग करताय, आळशी निर्णय म्हणता येईल तुमचा, परंतु किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करा? 60-65 धावा करण्याचा प्रयत्न करू। आणि काय म्हणाल एकंदरीत या स्पर्धेविषयी? किंजल स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी दरवर्षी ही स्पर्धा काहीतरी नवनवीन घेऊन येत असते संकल्पना, आणि तेजसजी मात्रे त्यांची संपूर्ण टीम या स्पर्धेला वर्षानुवर्ष ग्लॅमर देत आलेत, काय म्हणाल? आयोजन तर खूप छान आहे, आम्हाला पहिल्यांदाच खेळण्याची संधी मिळाली, त्यांचे आभार मानतो। थँक यू व्हेरी मच। शिकू आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याशी बातचीत करूया आपण। पहिल्यांदा बॉलिंग करायची आपल्याला, कारण टॉस जिंकून समोरील संघाने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि या मैदानावरती आपण पाहिले पहिल्या इनिंगमध्ये चांगल्या धावा बनतायत आणि अशा परिस्थितीमध्ये समोरील चिखले संघाने सांगितले की आपण 60-65 धावा प्लस जाण्याचा प्रयत्न करू। गोलंदाजी स्ट्रेंथ तुमची चांगली आहे, काय म्हणाल एकंदरीत किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? पहिल्यांदा मी आभार मानतो तेजस भाईचा, कारण की प्रत्येक वर्षी आम्ही तर ताळुगोळेच खेळत असतो पण आमच्या गावातल्या खेळाडूंना त्यांनी संधी दिली ग्रामीण भागातून आणि पहिल्यांदाच आम्ही पनवेली भागात खेळतो आहे आणि आमची एकच इच्छा होती फक्त किंजलला खेळायचं, बाकी आम्ही एवढ्या जास्त इथं टुर्नामेंट खेळणार नाही कारण की आमचे प्लेयर अजून काय एवढे तयार नाही आहे। तरी मी तेजस भाईला सांगितलं की आम्हाला कुठेतरी एक एंट्री ॲडजस्ट करून दे, कारण की इकडे एंट्र्या भरपूर फुल असतात, कारण की कधी बघावं त्या पनवेलला एंट्री सहसा भेटत नाही मॅचेस असल्या की, आणि किंजलला तरी नाही, तरी त्याबद्दल मी आभार मानतो तेजस भाईचं। आणि आमच्या प्लेयरांना आज संधी जी मिळेल, प्लेयर आमचे सर्व चांगले आहेत परंतु इकडचा थोडा अनुभव कमी आहे, तरी पण आम्ही त्या हिशोबाने समोरची टीम चिखलेली टीम चांगली आहे त्यांना कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। जरी आम्ही जरी टॉस जिंकला असता तरी आम्ही पहिली बॅटिंग घेतली असती, कारण की काल मी 40+ खेळून गेलो इकडे बघितलं, कारण की सिक्सरचा असा बॉल आहे जो रायगड प्रीमियर लीगपासून तुम्ही बघितला 4 विकेट झाले तरी स्कोर तुमचा होत राहतो 5 ओव्हरपर्यंत, म्हणजे सहसा ऑलआउट होत नाही आणि तो रन जास्त दिसतात आपल्याला 4-5 ओव्हरमध्ये 60-70, मग नंतर चेसिंग करताना माणूस त्या दबावाखाली खेळायला जातो आणि विकेट टाकतो, त्यामुळे पहिले फलंदाजी केलेलं या चेंडूवरती चांगलं होतं। मी प्रत्येक आता 4 कालच्या इनिंग पण बघितल्या। चला एकाच प्रश्नामध्ये एकू भाऊने सर्व उत्तर आपल्याला देऊन टाकली, अभिनंदन आणि विश ऑल द बेस्ट। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, आपल्या समोर अशी न्यूज येते, जय हनुमान चिखले टीमने या ठिकाणी टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे साईनगर टीम पहिल्यांदा बॉलिंग करताना पाहायला मिळेल आणि या इनिंगमध्ये पुन्हा एकदा आम्ही तुम्हाला जॉईन करतोय, तोपर्यंत आमच्यासोबत असेच बनून राहा। किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी 2023 मध्ये। थँक्यू। हॅलो, तो जरूर स्वरांश इंटरप्राइजेस हिसांबे टीम ने पहले 5 ओव्हर में रन बनाए, 44 रन और 45 रनों का पीछा करते समय शिलगर के ओपनिंग प्लेयर मैदान के अंदर आते हुए कुशल भगत और प्रणीत भगत, ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए नजर आ रहे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज विशाल गोपी रफ्तार के साथ अच्छी गेंदबाजी करते विशाल, और जरूर 45 रनों का पीछा करना है, कम से कम रन देने होंगे पावर प्ले के ओवर में विशाल इस गेंदबाज को। पहले गेंद के ऊपर जरूर अच्छी शॉट यहां पर नजर आते हुआ बल्लेबाज कुशल भगत द्वारा,
बिल्कुल रफ्तार का इस्तेमाल किया और गेंद को जरूर टैप किया था। 4 रन मिलेंगे पहले ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज कुशल भगत को, पहले गेंद के ऊपर चौका आता हुआ। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल इस शॉट को खेला था, जरूर पीछे बैकफुट पे जाकर कट किया और 4 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। 4 की मदद से टीम की टोटल और जरूर खुद का खाता खोलते हुए बल्लेबाज कुशल भगत। फिर एक बार विशाल गोपी की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस को नहीं छोड़ेंगे बल्लेबाज कुशल भगत। इस गेंद के ऊपर आता हुआ यह शानदार लंबा छक्का और जरूर फीमर के लिए यहां से रिव्यू लिया गया अंपायर द्वारा। तो पहले 2 गेंदों में 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बीमर के लिए रिव्यू लिया गया और जरूर दूध का दूध और पानी का पानी यहां से जरूर होता हुआ नजर आएगा। अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स नो बॉल, नो बॉल ये पहली बीमर गेंद और जरूर यहां से टीम की टोटल रन संख्या 11 इस गेंद के ऊपर फ्री हिट भी रहेगी। यहां से बल्लेबाज को फिर एक बार मौका मिलेगा खुलकर खेलने का, पहले रन कम और इसमें अब बल्लेबाजी शानदार होती भी नजर आ रही है। गरीबी में आटा गीला कहां से होता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार गेंदबाज विशाल भोपी तैयार, इस बार ये गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट कहां से देखने को मिला बल्लेबाज कुशल भगत द्वारा। एक और चौका मिलता हुआ और इस चौके की मदद से टीम की टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और पहले 3 गेंदों में 15 रन यहां से बनते हुए टीम शेलगर के, क्या शानदार बल्लेबाजी शेलगर के बल्लेबाजों द्वारा। कुशल भगत फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, इनटू द गैप, एक और चौका मिलेगा, शानदार बल्लेबाजी, इस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश बल्लेबाज कुशल भगत की, शानदार बल्लेबाजी। पहले 4 गेंदों में कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 19 रन, शानदार बल्लेबाजी होती विशेलगर के बल्लेबाज कुशल भगत द्वारा। स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगते हुए शानदार बल्लेबाजी होती भी टीम शेलकर की। कुशल भगत इस मैदान के ऊपर अब अपने रंग दिखाते हुए नजर आ रहे, इस बार देखिए जरूर कट करने की कोशिश थी वहां पर अच्छी फील्डिंग। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलेगी और सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 25 रनों की अभी भी जरूरत है। 45 रनों का पीछा करते समय शेलकर टीम, क्या शानदार बल्लेबाजी यहां से होती भी नजर आ रही है। जिस तरीके से टीम के कप्तान ने कहा था कम से कम रनों पे हम रोकने की कोशिश करेंगे और रणनीति पूरी तरीके से सफल बनती भी नजर आई शेलकर द्वारा। बल्लेबाजी करते समय भी पहले ओवर में आक्रमण और जरूर पहले ओवर में अच्छी यहां से बल्लेबाजी होती भी, 20 रन यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी एक गेंद का खेल यहां से बाकी है, गेंदबाज विशाल भोपी के गेंद के जरूर गेंदबाजी के ऊपर प्रहार होते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल की ये गेंद स्लो पर गेंद फेंकी थी, यहां से जरूर गैप में गेंद जाती हुई नजर आ रही है। सिंगल पूरी की, दूसरा चुराने की कोशिश और दूसरी भी रन यहां से पूरी होती भी। इन 2 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बगैर किसी नुकसान टीम शेलगर। जरूर नेक्स्ट मैच साई बाबा नगर खोपली और चिखले के बीच में देखने को मिलेगा। टॉस जीता था टीम चिखले ने, पहले जरूर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया टीम के कप्तान द्वारा, जो जरूर संदेश भेजा था वहां पर मास्टरमाइंड इकोनी की पिछली दिन, कल के दिन में भी वो यहां पर इस मैदान के ऊपर 40+ खेल रहे थे और टॉस जीतने के बाद भी वो भी बल्लेबाजी करना भी चाहते थे। बहुत सारी टीम होती है ग्रामीण में जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने के लिए ज़्यादा सोचती है, लेकिन ये कप्तान द्वारा कुछ अलग निर्णय यहाँ से आता हुआ। जिस तरीके से ये मैदान बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज़्यादा जरूर कारीगर साबित होता है और जरूर उसी तरीके का डिसीजन चिखले टीम द्वारा पहले भी मैच में
टॉस जीता था बोरले टीम ने और बल्लेबाजी की थी। इस मैच में जरूर टॉस जीता था टीम शेलकर ने और उस कप्तान ने भी कहा था कि नई टीम हमारे सामने, इसी के कारण हम पहले फील्डिंग करेंगे, ज़्यादा करके हम भी बल्लेबाजी ही करते हैं। तो और जरूर पहले फील्डिंग करने का फैसला अच्छा साबित होता हुआ अभी तक इस मैच में नजर आता है। वह 24 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ से जरूरत है 23 रनों की। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए राम पवार स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे। कुशल भगत इस बार देखिए बैट का किनारा लगा, पहला बड़ा झटका टीम शेलकर को, बल्लेबाज की पारी का अंत। कुशल भगत बैक टू पैवेलियन। तो जरूर राम पवार की इस ओवर में पहले गेंद के ऊपर झटका मिलता हुआ टीम शेलकर को, बल्लेबाज कुशल भगत की पारी यहां से समाप्त होती हुई नजर आएगी। कुशल भगत जिन्होंने 6 गेंदों में 19 रनों की पारी, शानदार पारी खेली, 45 रनों के पीछा करते समय 19 रन 6 गेंदों में, अच्छे बल्लेबाजी यहां से बल्लेबाज कुशल भगत द्वारा। नए बल्लेबाज आदित्य भगत टीम के कप्तान अब मैदान के ऊपर आते हुए नजर आ रहे। इन एट नंबर 3 राम पवार, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, पहले गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ। और जरूर जब पहले गेंद के ऊपर विकेट मिलता है तो गेंदबाज का हौसला भी सातवें आसमान के ऊपर नजर आता है। किस तरीके की अब गेंदबाजी होगी राम पवार द्वारा ये भी हम जरूर देखेंगे। फिर एक बार राम तैयार, राम की ये गेंद जरूर फुलर लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज यहां से आदित्य भगत को समझ नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति हुई, लगातार ये दूसरी डॉट गेंद, जरूर ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए तभी इस मैच में वापसी हो सकती है टीम इसाम्बे की। फिर एक बार राम पवार तैयार अपने ओवर में अगली मर्तबा। इस बार देखिए क्या शानदार गेंदबाजी होती है, भी एक और डॉट गेंद की समाप्ति यहां से। जरूर इस ओवर की अभी तक हम बात करेंगे, गेंदे हो चुकी है, तीन गेंदे यहां पर हो चुकी है और क्या शानदार गेंदबाजी होती भी राम पवार द्वारा, लगातार तीन डॉट गेंदे यहां से होती भी नजर आ रही है। फिर एक बार गेंदबाज राम तैयार, सामने बल्लेबाज आदित्य भगत। इस बार क्या शानदार गेंदबाजी, लगातार यहां पर विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कमबैक ओवर फेंकते हुए नजर आ रहे गेंदबाज राम पवार। इसाम्बे टीम इस मैच में थोड़ी बहुत यहां से कमबैक करते हुए नजर आ रहे, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर, टीम के कप्तान आदित्य भगत बैक टू पैवेलियन। में 2 सफलता और 2 डॉट गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है इसाम्बे के इस गेंदबाज द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के अंदर। अभी तक बात करेंगे, 2 गेंदे इस ओवर की शेष है, हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्या शानदार ओवर यहां से फेंकते हुए राम पवार। इसाम्बे टीम को इसी गेंदबाज की जरूरत और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है, कमबैक ओवर यहां से फेंकते हुए राम पवार नजर आ रहे। फिर एक बार राम तैयार अपने ओवर में अगली मर्तबा। इस बार राइट आर्म राउंड विकेट, फिर एक बार हवा में गेंदे, लंबाई जरूर यहां से कम नापी थी, ऊंचाई ज्यादा थी और वन बाउंस के साथ ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए आता हुआ साहिल भगत का यह शानदार चौका। क्या करे, क्योंकि रन पहले ही कम है और अच्छा ओवर फेंका था। अभी तक 4 गेंदों में जरूर 2 सफलता प्राप्त की थी, 2 डॉट गेंदे भी फेंकी थी, लेकिन उसके बाद ये भी विकेट हो सकता था, खिलाड़ियों द्वारा हुई गलती और मिला इस गेंद के ऊपर ये चौका। चौके की मदद से टीम की टोटल रन संख्या 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 20 रनों की जरूरत। इस बार देखिए फिर एक बार अपील जरूर हो रही है, अंपायर द्वारा इशारा आता हुआ ये बाउंस है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती भी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर कुल रन संख्या लगती भी 26, 2 विकेट के नुकसान पर। जरूर वो कैच यदि होता तो ये मेडन ओवर हो सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्रिकेट में। जरूर
चलिए टीम मीटिंग के लिए वक्त नहीं है, तुरंत मैच शुरू करना है आपको, क्योंकि 20 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है और उस 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर खत्म करने हैं। यदि नहीं होते हैं तो एक खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर लेना होगा। और ये टूर्नामेंट किंजल ट्रॉफी है और जरूर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको काफी फॉलो करना पड़ता है इस टूर्नामेंट में। तेजस दादा मात्रे नए नए रूल्स काफी बार हमें नजर आते हैं। पिछली बार पिछली टूर्नामेंट में हमने देखा था कि यदि मैच टाई होता है तो जरूर बॉल आउट हुआ था और वो बॉल आउट भी देखा था। उसके बाद 2 बार चांस दिए थे बॉल आउट के और उसके बाद जरूर टॉस के ऊपर डिसीजन आया था पिछली साल। लेकिन इस साल देखिए अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर का डिसीजन है। गेंदबाज फिर एक बार आते हुए विशाल भोपी गेंदबाजी मार्ग पर विशाल भोपी आते हुए पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे। कप्तान का भरोसा है अभी तक इस गेंदबाज के ऊपर कि ये गेंदबाज हमें कमबैक दिला सकता है। मैंडेटरी पावर प्ले में रन जरूर खर्च किया लेकिन इस ओवर में कप्तान की उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर ये दुनिया कायम है। गेंदबाज तैयार विशाल भोपी, आने वाली गेंदें बची है यहां से अब 18 और जीतने के लिए 19 की जरूरत। शानदार शॉट यहां से, वहां पर खराब फील्डिंग हो रही है, पहले ही रन कम है और ऐसे रन अगर आप दोगे तो जरूर इस मैच से बाहर जा सकते हैं। पहले ही रन कम, मैंने कहा था कि पहले ही रन कम है आपके पास और जहां पर रन थी सिंगल वहां पर रन मिले 3 और इन 3 रनों की मदद से कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 29 रन। अभी तक हम बात करेंगे जीतने के लिए 16 की जरूरत, 17 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। काफी जबरदस्त मैच। तो याच दरम्यान सन्माननीय ज्ञानेश्वर उसाटकर बायकर मॅन जे धुंद्रे गावचे आहेत त्यांना आमची विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। त्यांच्या समवेत प्रभाकरजी पालकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, जे केवळे गावचे आहेत त्यांना देखील आमची विनंती आहे। या आपण व्यासपीठावरती आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे। फिर एक बार गेंदबाज विशाल भोपी तयार, इस बार देखिए अच्छी गेंद, यहां से सिंगल रन चुराया। बल्लेबाज अब जानते हैं कि सिंगल डबल से काम चल सकता है, इसी के कारण ये बड़े हिट ताकने की कोशिश कम कर रहे हैं। पिछली जो कैच के ऊपर चौवा मिला था वो काफी महंगा साबित हो रहा है टीम इसाम्बे के लिए। वो कैच यदि होता तो वो 4 रन भी माइनस होते और विकेट भी जाता था, प्रेशर जरूर नजर आता था चेलगढ़ टीम के पास। लेकिन वैसा हुआ नहीं, जहां से जरूर उस गेंद के ऊपर 4 मिले थे उसके बाद खराब फील्डिंग के 3 मिले, इस गेंद के ऊपर ये सिंगल मिलती हुई कुल टोटल रन बनते हुए 30, अभी भी 15 की जरूरत। गेंदबाज तैयार, इस बार रफ्तार भरी गेंद थी लेकिन गैप सिलेक्शन अच्छा यहां पर नजर आता हुआ, अच्छी फील्डिंग, सिंगल रन यहां पर इस गेंद के ऊपर मिलेगी। सिंगल की मदद से कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 31 रन, अभी भी 14 रनों की जरूरत। शानदार मुकाबला, अभी तक इसाम्बे टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आने वाली गेंदें बची है 15 और 14 की जरूरत। क्रिकेट है, इस क्रिकेट में अक्सर कुछ भी हो सकता है, जरूर जब तक कि आखिरी गेंद मैदान के ऊपर गिरती नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये किंजल ट्रॉफी है, यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल होते हैं क्योंकि 6 गेंदों में 37 रन, किसी भी गेंदबाज को ऐसा लगा नहीं होगा कि ये रन जाएंगे लेकिन वो रन इसी मैदान के ऊपर चेस हुए थे। और यहाँ पर हेलो, और यहाँ पर देखिए इस मैच में भी कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से डॉट गेंद की हुई समाप्ति, आने वाली गेंदें बची अब 14 और 14 की जरूरत। किंजल ट्रॉफी, मैदान कई चेंज हुए लेकिन ये ट्रॉफी का नाम काफी बड़ा है रायगढ़ में। पिछले 12 साल तेजस दादा मात्रे इनका यह आयोजन और हर साल कुछ ना कुछ नया इनका आयोजन में नजर आता है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है ओम, यहां से मिलेगी 2 रन, इन 2 रनों की मदद से अब समीकरण होगा चेंज। आने वाली गेंदें बची है 13 और जीतने के लिए 12 की जरूरत। 13 गेंदें और 12 की जरूरत, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहां से होती हुई नजर आ रही है। लेकिन राम भगत, राम पवार, इस गेंदबाज ने अच्छा कमबैक दिलाया था अपने टीम के लिए। वैसा ओवर अगर होता तो और मजा आ सकता था इस मैच में। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद की होगी समाप्ति, ओवर नंबर 3 समाप्त।
आने वाली 12 गेंदे और 12 की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। इसाम्बे टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है और शेलगर टीम जो कमबैक के लिए जानी जाती है। 12 गेंदे और 12 की जरूरत, एक गेंद में जब 6 रन होते हैं तो निकालना काफी आसान होता है, लेकिन जब एक गेंद में एक होती है तो वो निकालना काफी जरूर बल्लेबाज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सन्माननीय मोतीराम जी म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, जे भोकर पाड्याचे आहेत त्यांना आमची विनंती, आपण व्यासपीठावरती येऊन आसन असतं व्हायचंय। 12 गेंदे और 12 की जरूरत, टीम मीटिंग यहां से लेते हुए नजर आ रहे टीम के कप्तान साहिल मापती। और अब किस तरीके की रणनीति रहेगी, हर गेंद के ऊपर यहां से अब डॉट गेंद चाहेंगे टीम इसाम्बे के खिलाड़ी, तो जरूर एक आध गेंद के ऊपर भी प्रहार होता है, तो इस मैच में शेलगर टीम आसानी के साथ जीत सकती है। देखिए टीम मीटिंग के लिए ज्यादा वक्त आपको दिया नहीं जाएगा, तुरंत टीम मीटिंग लेनी है और इस मैच को जरूर यहां से फिनिश करना है। अंपायर साहब को भी ध्यान देना है, 20 मिनट के अंदर मैच को जरूर 4 ओवर फिनिश होने चाहिए। हमारे आयोजनकर्ता तेजस दादा म्हात्रे टाइम्स के काफी पक्के हैं और जरूर इसके लिए बिल्कुल आपको किसी भी तरीके की चांस नहीं मिलेगी। 12 गेंदे और 12 की जरूरत है और ये 12 का पीछा किस तरीके से होगा ये हम जरूर देखेंगे। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, टीम के कप्तान जिन्होंने खुद के ऊपर भरोसा जताया है और जरूर कप्तान अब किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे ये हम जरूर देखेंगे। मैच अभी फिनिश नहीं हुआ, कहीं भी मत जाइए, किंजल ट्रॉफी 2023 का ये शानदार पर्व आपके सामने। 12 गेंदे और 12 की जरूरत, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है, जब तक कि आखिरी गेंद गिरती नहीं तब तक क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जरूर यहां से आने वाली 12 गेंदे और 12 की जरूरत है, किस तरीके से इस मैच का अंजाम होगा यह हम जरूर देखेंगे। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह रणनीति यहां से नजर आती भी इसाम्बे टीम द्वारा, जो बिल्कुल हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे रायगढ़ ग्रामीण टीम जरूर में भी ऐसी कई टीमें हैं जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानते हैं और उसी तरीके से अब इसाम्बे टीम भी यहां से लड़ती हुई नजर आ रही है। टीम की कप्तान साहिल मापती द्वारा ये गेंद, बिल्कुल सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलेगी। आने वाली 11 गेंदे और 11 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर शेलगर और इसाम्बे इन दो टीमों के बीच में। 45 का पीछा कर रहा था, ऐसा लगा था ये पीछा आसानी के साथ होगा। मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में 22 रन आए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज राम पवार द्वारा हुआ कमबैक और जरूर विशाल भोपी जिन्होंने अच्छी ओवर फेंकी थी, इसी के कारण ये मैच अब आने वाली 11 गेंदे और 11 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। साहिल तैयार अपने ओवर में यहां से गेंदबाजी करते हुए, 11 गेंदे और 11 की जरूरत। इस बार देखिए अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जहां पर गेंद जा रही है वहां पर खिलाड़ी नजर आते हैं। इस गेंद के ऊपर भी मिलेगी सिंगल आने वाली 10 गेंदे और अब 10 रनों की जरूरत। साहिल मापती के सामने साहिल भगत, ये जरूर यहां से नजर आते हुए बैटल, यहां से फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर अब प्रणीत भगत। अभी तक अगर बात करेंगे 7 रनों का योगदान दिया प्रणीत भगत ने, सिंगल डबल से काम अभी तक चल रहा था, अब 10 गेंदे और 10 की जरूरत। इस बार प्रहार किया है, वहां पर खिलाड़ी फंबल हुए और इस गेंद के ऊपर मिलेगा ये चौवा, जो जरूरत थी शेलगर टीम को जो चौवा मिलता हुआ और इन 4 रनों की मदद से आने वाली 9 गेंदे और अब 6 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 6 रन, काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बल्लेबाज प्रणीत भगत जो अब जरूर पहले सिंगल डबल से काम चला रहे थे, अब जानते हैं कि मैच थोड़ी फंस रही है तो जरूर एक बड़ा हिट आएगा। 4 रन मिले और इन 4 रनों की मदद से आने वाली 9 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, फिर एक बार गेंदबाज साहिल मापती तैयार। इस बार देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी बाद में हमारी, चौपा आया उसके बाद यह डॉट गेंद की समाप्ति और एक एक डॉट गेंद अभी भी इसाम्बे टीम को वापस ला सकती है इस मैच में। 8 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, साहिल मापती टीम के कप्तान है और अभी तक क्या शानदार गेंदबाजी होती भी इस मैदान के ऊपर नजर आती भी। फिर एक बार साहिल तैयार, इस बार क्या शानदार शॉट खेला, गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ, फील्डिंग चेंज की थी और इसी का यहां से जरूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इस गेंद के ऊपर मिलेगा ये चौवा
और जरूर आने वाली गेंदे बची है सात और दो रनों की जरूरत, सात गेंदे और दो की जरूरत। नेक्स्ट मैच जो पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया टीम चिखले ने और जरूर टीम खोपोली आपको भी तैयार रहना है। मैच खत्म होने के बाद तुरंत आपको मैदान के अंदर उतरना है। गेंदबाज साहिल मापदी फिर एक बार तैयार, जो जरूर कमबैक दिलाया था। अब यहां से दो चौबे मिले वैसे मैच अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बैट का किनारा लगा, मिस फील्ड वहां पर होती भी, सिंगल पूरा किया और दूसरा चुराने की कोशिश, हिट जरूर हुआ था और यहां से ये नो बॉल, तो जरूर अब नो बॉल है तो ये मैच भी फिनिश होगा और ये मैच जीती भी टीम शेलकर। दोनों टीम का हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सांबे टीम के लिए, तो नेक्स्ट मैच के लिए भी हम शुभकामनाएं देंगे टीम शेलकर के लिए। अगला मैच यहां से नजर आएगा टीम साई बाबा नगर खोपोली बनाम चिखले के बीच में। टॉस जीता है टीम चिखले ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो पहले फील्डिंग करने के लिए न्योता दिया है मास्टरमाइंड टीम, जरूर टीम के कप्तान इकू साई बाबा नगर खोपोली यहां से जरूर पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। जरूर शेलकर टीम के लिए यहां से इनाम लगता हुआ गोल्डन मैन एम भाई, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम है शेलकर टीम के लिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने गेंदबाजी करते समय शानदार ओवर फेंका, दो ओवर फेंके और दो ओवर में रन खर्च किए छे और एक सफलता प्राप्त की, और जरूर इस मैच के मैन ऑफ द मैच टीम के कप्तान आदित्य भगत यहां से मैन ऑफ द मैच टीम के लिए भी इनाम है 500 रुपए का इनाम एम भाई, इनके ओर से यहां से जरूर मिलता हुआ नजर आएगा।